हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास ट्वेल्थ में जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ, और सब्जेक्ट जो है वो आपका वो है फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स। किसका है ये? नहीं, कोई काम नहीं, दे दीजिए, ये मेरा है, हो गया काम मेरा। अच्छा, चलिए देखिए। तो जो ट्वेल्थ फिजिक्स में तक कल हम लोगों ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आज ये हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलो देखो ध्यान से। तो सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करते हैं, यहाँ पे ये कोई आवेश क्यू है, माइनस क्यू, या थोड़ा ऐसे यहाँ बना लेते कि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, माइनस क्यू, और एक है हमारा प्लस क्यू, ठीक है। हमने बताया था ये द्विध्रुव आघूर्ण बनाने के लिए दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होने चाहिए, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एट इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब निरक्षीय स्थिति में, ये तो अक्ष में था तो एक्स अक्ष, निरक्ष रहेगा तो वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं इस बिंदु पे हम लोगों को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम इससे ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। से मिला ही देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं ऐसे, बात समझ में आ गई। ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा, बात समझ में आ गई। देखो यहाँ दो कंपोनेंट वर्क करेंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो जो डायरेक्शन होगा वो ई ए और ई बी का सेम होगा, ई ए और ई बी का क्या होगा भैया, सेम होगा, बात समझ भाई। तो एक तरफ तो ये जानते हो, ये अगर देखा जाए क्षैतिज घटक तो हम लिखते थे कॉस थीटा, क्षैतिज घटक के लिए क्या लिखते थे, कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लिखते थे, साइन थीटा, क्या लिखते थे, साइन थीटा, बात समझ भाई ना। तो ये ऊर्ध्वाधर की तरफ लगेगा और ये जो है क्षैतिज की तरफ, ऐसे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कन्फर्म हो गया, यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखना है भैया, देखो यहाँ लिखेंगे, और इस पूरी दूरी क्या है, ये आर है, ये पूरी दूरी कितनी है, आर है, ये दूरी जो है भैया आपकी आर है। तो ए बी, यहाँ ए ओ, इसका नाम रख दिया जाए सी। अगर देखो ध्यान से, पहला नंबर तो हमें निकाल लेते हैं ए सी, ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं, ए सी, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी कितना है, ओ सी है आर स्क्वायर और ए ओ आप जानते हो ये पूरा एल होता है, ये भी पूरा एल होता है और टोटल डिस्टेंस मैंने बताया था द्विध्रुव आघूर्ण कितनी होती है, 2L होती है, क्या होती है 2L होती है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो भैया ए सी जो निकला वो निकला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर ए सी है तो हम कह सकते हैं कि बी सी भी यही होगा, बी सी इक्वल टू भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये जो दोनों वेरिएबल हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे माना, माना कोई, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण ए बी, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है ना, ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर कोई वस्तु, सॉरी स्मॉल आर दूरी पर, आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, ओके। चलो देखो ध्यान से, अतः चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार आघूर्ण पर, आघूर्ण पर दो घटक, दो घटक कार्य करेंगे, ओके, दो घटक कार्य करेंगे। पहला होगा ई कॉस थीटा और दूसरा होगा ई कॉस थीटा तथा ई साइन थीटा। ध्यान रखना क्षैतिज के लिए, क्षैतिज घटक के लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ लिख सकते हैं अतः क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, ई ए है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी है। क्या है? ई बी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या भैया? ई बी है। ई ए व ई बी दोनों की दिशाएं, दोनों की दिशाएं समान हैं, दोनों की दिशाएं समान हैं, हो गया। अतः कुल, अतः कुल तीव्रता ई बराबर ई ए और प्लस ई बी, समझ में आया? कुल तीव्रता क्या होगा? ई ए प्लस ई बी, समीकरण नंबर हो जाएगा स्टार। कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हो जाएगा क्यू अपॉन, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटू इसी के साथ जो वर्क कर रहा है, ये के साथ कौन सा वर्क कर रहा है? कॉस थीटा, इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ में आया? इसी प्रकार ई बी के लिए भी, ई बी के लिए ये दूरी लिखेंगे, इसी प्रकार इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, इसी प्रकार ई बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का भी क्या है? कॉस थीटा है। ई ए और ई बी का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ से यहाँ टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी। समीकरण स्टार से लिख सकते हैं, अतः समीकरण स्टार से, ठीक है। तो ई इक्वल टू जो निकलेगा ई ए प्लस ई बी है, तो ई ए इक्वल टू ई ए की वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा, और सेम टू सेम ये भी है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा, देखो ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा केवल कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं? कॉस थीटा टू कॉस थीटा,
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। समझ में आ गया? जल्दी इतना करो तो, इतना हो गया ना। आगे देखो, आगे लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ, ए ओ सी में कॉस थीटा इक्वल टू, देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही मान रहे थे। लेकिन समीकरण डबल स्टार से, समीकरण डबल स्टार से, जब जब डबल स्टार रखेंगे तो ई की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया ना। अब ये पहले देखो भैया ध्यान से, जैसे कर कहीं लिखा हो रूट एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ क्या है एक्स की पावर वन अपॉन टू है, तो इसे लिख सकते हो एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन टू, मतलब एक्स की पावर क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वैसे यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा क्यू इंटू टू एल, और नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, कन्फर्म हो गया, टू द पावर थ्री बाई टू, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू टू एल, तो जहाँ P है वहाँ हम क्या रख सकते हैं Q इंटू टू एल, E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख सकते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, इसको हम रेस कर दे रहे हैं, इसे हम रेस कर दे रहे हैं, समझ में आया। देखो ध्यान से, अब यहां लिख दिया जाए यदि, यदि एल सॉरी आर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एल, मतलब अर्थात एल स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य, क्या हो जाएगा नगण्य, जब नगण कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू द पावर थ्री अपॉन टू, इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर टू इंटू थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया कि नहीं, क्यों नहीं है पी है भाई, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, नोट करो जल्दी करो, ये हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना भैया, किसमें होगा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना, जल्दी करो। तो जल्दी कर लो भाई, हो गया, इरेज करते रहे, ठीक है ना, इसको इरेज करते रहे।
अगला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ठीक है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। देखो यहां से सपोज करते हैं ये है हमारा माइनस क्यू ठीक है, और ये है हमारा प्लस क्यू ठीक, डिस्टेंस जानते हो क्या ले लिया जाए 2L, और कोई बिंदु मां सपोज करते हैं यहाँ है ठीक ना, और इसका मध्य बिंदु ये है ठीक। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर देखा जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बात समझ में आ गई, और यहाँ जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो घटक में, बात समझ में आ गई ना, एक क्षैतिज घटक ये हो जाएगा, ये अक्षीय में हो जाएगा, ये अक्षीय, और ये जो हो जाएगा निरक्षीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा निरक्षीय, तो ऊपर निरक्षीय तो नीचे भी निरक्षीय कह सकते हो, और ये इधर भी निरक्षीय हो सकता है ठीक। उसी तरीके से यहाँ भी ये अक्षीय में हो जाएगा, ये अक्षीय हो जाएगा, और अगर पॉइंट यही बात करें डायरेक्ट की, तो ये अगर ऐसे करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा निरक्षीय ठीक है। तो आप जानते हो मैंने कहा था अक्षीय के लिए कॉस थीटा काम करता है, मतलब एक ये क्षैतिज घटक है ना, अक्षय के साथ साथ क्षैतिज घटक है, तो इसके साथ एक आ जाएगा कॉस थीटा, या ऐसे कह सकते हैं ई कॉस थीटा, और इसके लिए अगर देखा जाएगा तो ये आ जाएगा ई साइन थीटा, कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई अक्षीय या ई ए, इसको एक नाम दे दिया जाए, यहाँ पे इसे हम ई ए कह दें, ऐसे हम कह दें ई बी ठीक है ना, ई ए और ई बी ठीक है, और ये किसी एंगल थीटा पे निकाल रहे हैं। इधर देखो तो यहाँ से लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और प्लस ब्रैकेट में लिख रहे हैं अक्षीय, ताकि आपको एकदम कन्फर्म रहे अक्षीय, और प्लस ई बी, इसके साथ साइन थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा निरक्षीय ठीक है, ये क्या हो जाएगा निरक्षीय ठीक है ना। ई ए कॉस थीटा क्या है, ई ए कॉस थीटा मतलब अक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r क्यूब इंटू कॉस थीटा ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए हम लोग 2p अपॉन r क्यूब इंटू साइन थीटा पढ़ चुके हैं कि नहीं, समझ में आया। चलो इसको थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सही करते हैं हम लोग। देखो ई अक्षीय ऐसे निकालते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, ई अक्षीय क्या होगा, ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या होता है, ई की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब इंटू हो जाएगा कॉस थीटा।
थीटा, मतलब ई एच ए को हम कह दिए ई ए, तो ई ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/4π0 2π/r³ इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गए। इसी प्रकार ई निरक्षीय, ई निरक्षीय ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो ई निरक्षीय बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, दो हो गया। अब लिख सकते हैं ये ई बी, इसे ई बी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ई ए व ई बी का परिणामी, ई बी का परिणामी, ई ए व ई बी का परिणामी ई इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, एक व दो से अगर करेंगे तो यहाँ से देखो e इक्वल टू 1/4 ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 1/4π0 और 2π cos θ/r³ टोटल स्क्वायर कर दिया जाए और प्लस 1/4π0 इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये टोटल का स्क्वायर कर दिया जाए, हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लो, ई इक्वल टू अंडर रूट 1/4π0 और p/r³ टू द होल स्क्वायर, ये इतना कॉमन मिलेगा हमको। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4cos²θ और प्लस यहाँ पे sin²θ, ठीक है, ये बचेगा ना, कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद देखो ध्यान से, इस तो इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ई इक्वल टू 1/4π0 और ये निकलेगा अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट 0 p/r³, ये भी रहेगा बाहर और ये अंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4cos²θ, तो इसे ले सकते हो 3cos²θ प्लस cos²θ और प्लस sin²θ, लिख सकते हो कि नहीं। अब इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं e इक्वल टू 1/4π0 p/r³ और ये हो जाएगा अंडर रूट 3cos²θ प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं sin²θ प्लस cos²θ इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। ये हो जाएगा, किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हो, लेकिन आपको कोण पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, जल्दी करो उसको। तो हो गया ना, हम उसको इरेज करते हैं, ठीक। देखो हमें जो मिला फार्मूला वो मिल गया ई इक्वल टू
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और रूट में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है ना। देखो ये मिला है, चलो देखो ध्यान से, यहीं से हम दोनों कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला आपका एक मास्टर फार्मूला है, मास्टर फार्मूला है। दोनों फार्मूला कैसे निकालेंगे देखो, पहला है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और दूसरा क्या था, निरक्षीय स्थिति, दूसरा है आपका निरक्षीय स्थिति, ठीक है। देखो अक्षीय स्थिति के लिए जो थीटा होता है वो जीरो होता है, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा क्या होता है, जीरो। तो इसके लिए अगर थीटा इक्वल टू हम यहाँ जीरो रख दें तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और रूट में थ्री कॉस स्क्वायर जीरो डिग्री प्लस वन, ठीक है। और E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और ये हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस वन, ठीक है। तो E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और ये हो जाएगा अंडर रूट तीन एक चार, चार का स्क्वायर रूट दो होता है। तो E इक्वल टू जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और निकलेगा टू पी अपॉन आर क्यूब, टू पी अपॉन आर क्यूब, समझ में आ गए। इसी तरीके से इधर भी निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू 90 होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है 90। देखो यही था अक्षीय स्थिति का फार्मूला, था कि नहीं था भैया, तो इसी में रखते हैं E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर 90 प्लस वन, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो E इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और ये तो हो जाएगा जीरो प्लस वन, वन का स्क्वायर रूट वन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, जल्दी नोट करो, ठीक है, जल्दी करो भाई। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जल्दी इसको करो। तो हो गया ना भैया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो अगला, चलो देखो ध्यान से, इसमें अगला है, अगली हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर ध्रुव पर
कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है। कार्यरत बल आघूर्ण, समझ में आ गया। चलो देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में हमने थीटा कोण पे ऐसे ये, ठीक है, सपोज करो ये है, कन्फर्म हो गया। एक है माइनस क्यू आवेश और एक है हमारा प्लस क्यू आवेश। टोटल दूरी आप जानते हो टू एल होती है, ये टोटल दूरी कितनी होती है, टू एल होती है। और एक किस कोण पर रखा गया है, थीटा पे। ऐसे समझ में आ गया, ये किस पे रखा है, थीटा पे। इस तरीके से रखा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पहले बताओ, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये दूरी क्या होगी, इसका नाम दे दिया ए बी सी, और हमें क्या निकालना है, ए बी चाहिए, क्योंकि अभी ए बी काम क्या होगा बता रहे हैं। अगर लिख दिया जाए, हमें बल आघूर्ण चाहिए, यहाँ हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्लॉब्स 11th का फार्मूला है, हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर बल गुणे अक्षीय दूरी, ठीक ना, या लांबिक दूरी भी कहते हैं, अक्षीय दूरी या लांबिक दूरी, ठीक है, लांबिक दूरी, ठीक है। यह बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कन्फर्म हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ इक्वल टू बल तो एफ से हो जाएगा इनटू अक्षीय दूरी ए बी है, तो हमें ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्टार, ठीक है ना, कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा, माना क्यू आवेश के कारण उत्पन्न एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है, तथा उसी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एसी स्थित है।
बात समझ में आ गई, कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में साइन थीटा इक्वल टू कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे मतलब ए बी अपॉन टू एल, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा टू एल साइन थीटा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एल साइन थीटा। समझ में आया? अब लिख सकते हैं समीकरण स्टार से, स्टार में टाउ इक्वल टू एफ इंटू ए बी की वैल्यू हो जाएगी टू एल साइन थीटा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा डबल स्टार। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, पुनः हम जानते हैं E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, ठीक है, इसके नीचे वन कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F इक्वल टू E इंटू क्यू हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। अब यहाँ लिख दें समीकरण डबल स्टार से, जब डबल स्टार में रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा टाउ इक्वल टू F की वैल्यू है ई क्यू, ठीक ना, और इनटू हो जाएगा टू एल साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू से लिखते ई इंटू, इसे ब्रेकअप लिखते क्यू इंटू टू एल साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू इंटू टू एल क्या है जानते हो तुम, क्यू इंटू टू एल क्या है, पी। तो यहाँ रख सकते हैं टाउ इक्वल टू ई पी साइन थीटा, बात समझ में आई। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा, नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी करो भाई। हो गया ना, अब इसे हम इरेज करते रहे, देखो ध्यान से, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले हेडिंग लिखेंगे विशेष स्थितियाँ, क्या लिखेंगे, विशेष स्थितियाँ। ठीक है, विशेष स्थितियाँ में क्या है, हम लोगों ने निकाल लिया टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा निकाल लिए, तो इसकी कई स्थितियां हैं, देखो ध्यान से। पहली स्थिति है यदि द्विध्रुव, ठीक है, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा
वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो थीटा की वैल्यू आप जानते हो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और यहाँ लिख जाएगा यदि ध्रुव, यदि ध्रुव की दिशा, यदि ध्रुव की दिशा वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है ना। और तीसरी है विपरीत हो, यदि द्विध्रुव की दिशा, यदि द्विध्रुव की दिशा दिशा वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, के विपरीत हो, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टाओ इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, तो टाओ इक्वल टू पीई इंटू 0, तो टाओ इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। वह यहाँ भी लिखेंगे टाओ इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, तो टाओ इक्वल टू पीई साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये टाउ मैक्स हो जाता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू यही होती है 90 डिग्री का, इक्वल टू पी ई, ठीक है। और यहाँ भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू पी ई इंटू साइन 0, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन इंटू 0 180, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब एक कंडीशन में ज़्यादा मिलेगा जब लंबवत होगा, ठीक है ना। जल्दी नोट करो, हो गया, जल्दी करो। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। हो गया भैया, जल्दी करो। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, वही है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। सपोज करते हैं ये डी थीटा पे घूमता है ऐसे ही, ठीक है ना। चलो देखो, वैद्युत ध्रुव
आघों को एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ भी देखो, लिख सकते हैं कार्य निकालना है तो हम जानते हैं कार्य बराबर होता है, ठीक है, कार्य बराबर लिख सकते हैं। जैसे भी लिखे थे बल गुणे दूरी, तो वही था एक चीज़ ना, टाऊ और एक, ये दोनों सही काम करता है। तो लिख सकते हैं क्या, टाऊ इंटू डी थीटा। बात समझ में आ गई, क्या लिखेंगे, टाऊ इक्वल टू डी थीटा। तो यहाँ डी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा टाऊ इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टाओ डी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, टाओ की वैल्यू जानते हो तुम, क्या होता है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इन ब्रेकेट यहाँ ले लेना, क्योंकि हम जानते हैं टाओ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा, पी ई बाहर कर लेते हैं, पी जब बाहर कर लेते हैं तो अंदर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब ये सोचो कि जो द्विध्रुव है उसे थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया गया है, कहाँ से घुमाया गया है, थीटा वन से थीटा टू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा लिमिट, वैसे लिखा मान लेते हैं जीरो से थीटा घूमता है, पहले जीरो से थीटा, बहुत ज़्यादा हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, जीरो से थीटा, समझ में आया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई, अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस कॉस जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस जीरो वैल्यू वन हो जाए। जैसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी ई और वन माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आ गया। समझ में आया, जल्दी इसको करो। तो ये कार्य का फार्मूला है, द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है ना, जल्दी करो, नोट करो भाई। नोट कर लो भाई साहब, ठीक हो गया ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना भैया। अब इसमें भी वही लिख दो, विशेष स्थितियाँ, क्या लिखना है, विशेष स्थितियाँ, हेडिंग जो है वो लिखेंगे विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ, ठीक है ना।
तो वही चीज़ है, W इक्वल टू हम लोगों को मिला है पी ई इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, ये कार्य का फॉर्मूला है, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया। अब इधर देखो ध्यान से, तीन कंडीशन इसमें मिलेंगी, तीन सिचुएशन। पहला, पहला तो थीटा इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है ना, जब क्या होगा समांतर घूमेगा, क्षेत्र के क्या घूमेगा समांतर, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, जब क्या घूमेगा लंबवत, ठीक है, और थीटा की वैल्यू होगी 180, ठीक है ना, कब, जब विपरीत घूमेगा, जब विपरीत घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले वाले हम निकालते हैं W इक्वल टू पी ई और 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, तो W इक्वल टू पी ई 1 माइनस 0, W इक्वल टू पी ई, ओके। अब यहाँ पर रखें W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90, ठीक है, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस 0, नो, हाँ ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा पी ई, कॉस 0 वैल्यू मैंने 0 रखी ना, 1 होगी, और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0, तो W इक्वल टू 0 निकलेगा, जब समांतर घूमेगा तो, ठीक है ना। और कास 90 की वैल्यू 0, तो W इक्वल टू पी ई हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला देखो, W इक्वल टू पी ई और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस 1, 1 माइनस 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 प्लस 1, तो W इक्वल टू पी ई इंटू 2 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 2 पी ई, क्या निकलेगा 2 पी ई, समझ में आ गया ना, कन्फर्म हो गया। तो ये हो जाएगा, तीनों स्थितियाँ क्लियर करके रखो, ठीक है, जल्दी करो इसको। हो गया भैया, जल्दी लगा डालो। हो गया ना, इसको हम मिटा देते हैं। चलो एक सवाल हम दे दे रहे हैं, उसको लगा के रखना, देखते हैं कितने लोग लगा सकते हो, लगा के आते हो, ठीक है ना, एक सवाल है, चलो देखो कितने लोग लगाते हो, कितने लोग नहीं लगा पाते हो। सवाल है, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में, सवाल है, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलम आवेश होते हैं, तो एक कूलम आवेश स्थानांतरित होने में
में कितना समय लगेगा। सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है ना भैया, और कोशिश करना कि सबको आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको कर लेना, इसको कल करा दिया जाएगा। आगे जो है क्लासेस ऐसे देखते रहो ऑनलाइन, जो भी समझ में आ रहा है, लेकिन भाई नोट्स बनाते रहना बेटा, नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अब तक के लिए हा 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 करते रहो, वीडियो देखते रहो बच्चे।